उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक बार फिर से चाकू गोद कर युवक की हत्या कर दी गई है। जी हां, आपको बता देते हैं पूरा मामला, आइए क्या कुछ। नेटवर्क आमंत्रित कराता है आपके व्यवसाय प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं के विज्ञापन हेतु, तो देर किस बात का, अभी संपर्क करें और सबसे तेजी से बढ़ते मीडिया नेटवर्क के साथ हमें कॉल या व्हाट्सएप करें 9454839479। थैंक यू। गोरखपुर जनपद में अभी रामगढ़ थाना क्षेत्र के चिड़ियाघर के पास ही एक छात्र की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद हक्काबाद और अब गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र के डोमर घाट में एक 15 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई है। जी हां, हम आपको बताते चले कि वह छात्र 15 वर्षीय जो गोरखपुर दशहरे के मेले घूमने आया था, वहीं पर उसे चाकू से घोद कर मनचलो युवकों द्वारा हत्या कर दिया गया है। अब ये उत्तर प्रदेश की गोरखपुर पुलिस पर एक बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से लगातार चाकू से बढ़ते हुए गोरखपुर में अपराध के मामले हैं, उस पर अंकुश किस तरीके से लगाया जाए। वहीं दूसरी तरफ उस युवक की हत्या उस वक्त की गई जब युवक घर से गोरखपुर शहर नीला घूमने आया था। जब परिवार को पता चला तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार कह रहा है कि वो हत्यारे हमारे बेटे से गांव से ही पीछे लगे थे। क्या कुछ मामला है, इसकी तहकीकात में पुलिस जुड़ गई है और पुलिस ने इस मामले की जांच गंभीरता से शुरू कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गोरखपुर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी है कि अब जिस तरीके से चाकूबाजी से लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उस पर अंकुश किस तरीके से लगाया जाए। इसको लेकर पुलिस ने एक बार फिर से इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और खजनी थाना क्षेत्र का ये मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। जिस तरीके से यहाँ पर एक युवक की, जो शहर मेला घूमने आता है, उस युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी जाती है। आइए क्या कुछ परिवार का कहना है, हम आपको सुनवाते हैं। एक गांव से पीछे लग गई लकुलिन, हम ना जनल हम ना जाए दिले होती हम ना जाए दिले होती सरकार हम अपने लाल की ना जाए दिले होती हम तन को ना जनली कुल वारे मुआ दे है दुश्मनी कर ला ना हम जन से ना है वही बकिले गऊआ के सब लखावे वाला हम है कोहा कर वो भी झगड़ा हवाई लड़ते ही आई लन हमरे घर में सब कह के गई लन कि हम मुआ देवे के कहीं पाते वो जौन कुल पकड़ाइल बाट आ वो सब सरकार सब वो रहा काहे कहत रहल मुआ दे पता नहीं के तू खाती ना सरकार हम घर में रहिला हम कहीं बाहर वो नहीं जाइला हाली झगड़ा वगड़ा दो चार दिन के पहले फिर भाई लाल था हम के आज सब मालूम भाई लगी कैसे कैसे झगड़ा के दो चार दिन भाई लाल है गाँव में करा ला हम गाँव के लाल गाँव का वो अभी धाक के लड़का लाल है वो भाई लाल है वो रवा घर हमेशा हमारे लड़का पीछे लगल लड़को नाम ना जानी ला का चाहत का मांग कर दू सरकार से बताओ हमे सजा के वैसा चाहे हम आए वाले चाहत है सरकार सब हमरे लड़का जैसे मलिया था वैसा हम चाहते वो मर जा हम ओ के तुरंत जान के बदलते जान चाहत है कुछ नहीं चाहे लड़का वक्त कहा थे हम घर में सुनाए जाए ला कहीं तो अरे लड़का का नाम है अंकुश नाम है कितना उम्र रहा वही 10-12 साल का राना बन नाबालिग का मतलब